हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्ज़ा। तो इसके लिए मैंने लिया है मार्केट का पिज्ज़ा बेस। आप घर का घर पे क्या होता है, जैसे हम कहीं से आते हैं और घर पे पिज्ज़ा बच्चे खाने की जिद करते हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं, मार्केट से ही पिज्ज़ा बेस लेके आ जाते हैं। तो ये मार्केट का पिज्ज़ा बेस है, ये मैदा का है। आप आटा का पिज्ज़ा बेस भी मार्केट में अवेलेबल है, उसको भी लाके बना सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल झटपट 10-15 मिनट में पिज्ज़ा खाना हो तो आपको प्रेफर करना पड़ेगा मार्केट का ही पिज्ज़ा बेस। पिज्जा की सीरीज में मैं आपको आगे पिज्जा बेस भी बनाना सिखाऊंगी, पर आज मैं मार्केट का पिज्जा बेस प्रेफर कर रही हूँ। और मैंने इसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो लिए हैं, ये लिया है कैरेट, इसको ग्रेट कर लेना है, थोड़ा सा सॉल्ट सब्जियों को कुक करने के लिए, ग्रेटेड चीज, मैंने यहाँ पे मोजरेला चीज नहीं लिया है, प्रोसेस्ड चीज लिया है, अमूल का प्रोसेस्ड चीज। इसके साथ मैंने लिया है यहाँ पे कैप्सिकम, शिमला मिर्ची, और ये भी कैप्सिकम है पर इसको लंबा काटा है थोड़ा सा, जो हमारा पिज्जा है उसको लुक वाइज अच्छा दिखाने के लिए। इसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है टमाटर, टोमेटो, इसके साथ मैंने लिया है अनियन, इसको भी मैंने स्क्वायर पीसेस में कट किया है। अनियन एकदम ऑप्शनल है, कई लोग नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। पिज्जा की जो सब्जियां हैं वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है रेड चिली फ्लेक्स, और ये चीज स्प्रेड भी लिया है, अगर चीज हमें कम पड़ता है तो हम चीज स्प्रेड भी डालेंगे। इसके साथ मैंने लिया है ऑयल फॉर जो सब्जियां हमें कुक करना है उसके लिए। मैंने यहाँ पर लिया है पिज्जा एंड पास्ता, जो हम टॉपिंग्स लगाते हैं, पिज्जा एंड पास्ता सॉस लिया है। इसके जगह आप टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मैंने लिया है ये मिक्स हर्ब्स, ये आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाता है, और पिज्जा में सीजनिंग के लिए बहुत रिक्वायरमेंट होती है इसकी, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। पिज्जा सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप टोमेटो सॉस ले सकते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे पैन गरम रखा है, जिसमें हम सब्जियों को, क्योंकि पिज्जा में सब्जियां जो मार्केट में बनती हैं वो तो कच्ची डलती है, मगर हम पिज्जा बेस इस्तेमाल कर रहे हैं, और पिज्जा बेस में क्या होता है कि हमारा जो सब्जियां हैं वो अच्छे से कुक नहीं हो पाती, तो इसलिए मैं हल्की सी हाफ कुक करके सब्जियां जो है वो इस्तेमाल करूंगी। तो मैंने यहाँ पे पैन गरम कर दिया है, और मैंने ये जो सब्जियां हम इस्तेमाल की हैं इनको अच्छे से मार्केट से लाने के बाद में घर पे धो करके विनेगर से और गर्म पानी से धोने के बाद में इस्तेमाल किया है। आप भी जो भी सब्जियां लाएं मार्केट से उसको अच्छी तरीके से धो लें। और शिमला मिर्ची का मैंने पहले भी टिप बताया है, शिमला मिर्ची को जब अंदर से सफाई करें उस टाइम पे भी शिमला मिर्ची को बीजे निकालने के बाद आपको फिर से धोना है गर्म पानी से, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर गैस की जो स्पीड है वो बिल्कुल सिम है, और सिम पे इनको करना है, अदरवाइज ये जल जाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको बिल्कुल सिम पे करना है, और इसके ये जब तक कुक हो रही है इसके साथ में थोड़ा सा जो मैंने अनियन लिया है ये भी साथ में डाल रही हूँ। ये भी हल्का हल्का, मतलब हाफ कुक नहीं, मतलब हल्का सा कुक हो जाएगा इसी के साथ। और जो मैंने टोमेटो लिया है उसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है, टोमेटो खुद कुक हो जाता है पिज्ज़ा में, पर शिमला मिर्ची का टेस्ट बच्चों को कुकड ही पसंद आता है, हाफ कुक बच्चों को पसंद आता है, मतलब अगर कच्चा हम लेते हैं तो बच्चे थोड़ा सा निकाल के फेंकने लगते हैं, तो हमें तो सब्जियां बच्चों को खिलाना है, और अभी समय ऐसा चल रहा है कि हमें हर चीज़ घर पे बनाना ही सीखनी पड़ेगी। तो आप ज़रूर ये 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाता है, ये पिज़्ज़ा ज़रूर घर पर ट्राई करिए। जब सब्जियाँ हाफ कुक, मतलब ये थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा, तब हम इसको गैस को बंद करके इनको निकाल लेंगे। आपको बस इस स्टेज पे ध्यान रखना है गैस आपकी तेज ना रहे, अदरवाइज सब्जियां जो हैं वो हमारी अपना कलर ओरिजिनल कलर से चेंज हो जाएगी। और ये स्टेप ऑप्शनल है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। अगर आप आपको कुक्ड नहीं पसंद है हाफ कुक्ड, आप कच्चा मतलब पिज्ज़ा के साथ जो पकती है उस स्टेप को पसंद करते हैं, तो आप इस स्टेप को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। सब कुछ हमारे ऊपर रहता है जब हम घर पे खाना बनाते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो इसको मैं लगभग 1-2 मिनट के लिए फ्राई करके इसको गैस को मैं कर दूंगी ऑफ, और इसको निकाल दूंगी बाहर। सब्जियों को हमने हाफ कुक करके ऐसे निकाल के ठंडा करने रख दिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक पिज्ज़ा के लिए बेक करने के लिए एक बर्तन लिया है, उसको पहले से ही गर्म करने रख दिया है, और इसके अंदर मैंने रखा है एक स्टैंड, और इसको जैसे हम केक के लिए ढक के रखते हैं, इसको रख दीजिए ढक के मीडियम फ्लेम पे, लगभग 5 मिनट जब तक हमारी पिज्ज़ा बेस रेडी होगा तब तक ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। जब तक हमारा बर्तन प्री हीट हो रहा है, हम सबसे पहले एक प्लेट लेंगे, प्लेट में रखेंगे पिज्ज़ा बेस, और इसमें हम लगाएंगे ये पिज्ज़ा सॉस। इसके जगह आप टोमेटो केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज स्प्रेड करेंगे। उसके बाद हमने ये जो सब्जियां हाफ कुक करके रखी थी इनको एक एक करके अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप इसमें कम ज्यादा सब्जियां कर सकते हैं, इसको एक एक करके इसमें ऐसे सजा देंगे।
ये मैंने सारी सब्जियों को इसमें अच्छे से सजा दिया है, और उसके ऊपर से ये जो गाजर मैंने कद्दूकस करके रखी थी ये भी डाल दूंगी मैं थोड़ी सी, इसे अच्छा दिखे इसलिए। और इसके साथ हमने सॉल्ट सब्जियों में उस वक्त नहीं डाला था, इसमें हल्का सा मैं सॉल्ट स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो इस स्टेप को पूरी तरह से जो है हटा सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम वापस से डालेंगे थोड़ा सा चीज़। चीज़ मेरे पास सफिशेंट हो गया है, तो मैं इसमें चीज़ स्प्रेड जो मैंने लिया था वो मैं स्किप कर रही हूँ। अगर आपके पास चीज़ क्यूब्स में अवेलेबल नहीं है, मतलब प्रोसेस चीज़ नहीं है, मोजरेला चीज़ नहीं है, तो आप चीज़ ये जो स्लाइसेस आती हैं इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास चीज़ भी नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पिज्ज़ा को सब्जियों के साथ सॉस के साथ कुक कर लें, और ऊपर से मायनीज डाल के भी बच्चों को सर्व कर सकते हैं। ज़्यादा पता नहीं चलता, मायनीज भी लुक लाइक चीज़ ही होती है, तो बच्चा अगर घर पे सही में अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज बस अभी इस पिज़्ज़ा को हम जो हमने प्री हीट हमारा बर्तन रखा था उसमें रख देंगे और उसको कवर कर देंगे। और जब तक चीज़ इसमें अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं होता है, मतलब तब तक इसको कुक करना है, पर आपको नीचे से थोड़ा थोड़ा चेक भी करते रहना, कई बार ये नीचे से ज़्यादा ओवर कुक हो जाता है। तो बस मैं इसको एक बर्तन में, जो मेरा गर्म बर्तन है उसमें जाके इसको रख दूंगी। मैंने रख दिया है और इसको मैंने यहाँ कवर कर दिया है, और गैस का जो फ्लेम है वो मेरे को करना है, वो मैंने कर दिया है मीडियम। और मैं इसको आफ्टर 5 मिनट्स इसको चेक करूंगी, 5 मिनट्स में कुक हो जाता है, तो लगभग 15 से 20 मिनट में ही हो जाता है कुक। कुक होने के बाद हम इसके प्रोसेस को आगे दिखाती हूँ मैं। 5 मिनट के बाद हमें पिज्ज़ा को चेक करना है, और ये देखिए हमारा जो चीज़ है, पास से देखिए आप, ये अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट हो गया, और इसका बेस भी मैंने चेक किया है, ये देखिए अभी बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने प्लेट में ना ऑयल डाला था ना कुछ ऐसा डाला था कि जिससे वो जले, तो अभी ये कुक हो रहा है। इसी स्टेज पे हम डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा हम डालेंगे मिक्स हर्ब्स। इसके ऊपर अब स्प्रिंकल कर देंगे जिसने ये अच्छी तरीके से चीज़ के ऊपर मिक्स हो जाए। और अभी ये इसमें थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे, तो लगभग 7 से 8 मिनट में ये जो है पूरी तरीके से कुक होता है, अगर आपने बर्तन प्री हीट करके रखा है। मैंने इसको नॉन स्टिक ये जो बर्तन लिया है इसके अंदर रखा है। आप चाहें तो इसको आप एक नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं, और आपको अगर तवा पे खाना है तो आप तवा पे भी इसको बना सकते हैं, ये किसी पे भी बन जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गैस का फ्लेम आप तेज कर देंगे तो पिज़्ज़ा नीचे से गड़बड़ हो जाता है। तो लगभग 1-2 मिनट के बाद ये बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा लगभग 2-3 मिनट के बाद बन के रेडी हो गया है, तो टोटल इसमें हमें लगे होंगे 10 से 15 मिनट। आपको 15 से 20 मिनट भी लग सकता है पूरी तैयारी करने में, पर 20 मिनट के बाद ये पिज़्ज़ा आपकी प्लेट में आ जाएगा। बहुत ही यमी बनता है ये। बस इसे अब हम कट कर लेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। और ये पास से देखिए कितना मस्त पिज़्ज़ा हमारा बन के रेडी हुआ है 15-20 मिनट में। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये मार्केट का है कि घर का बना है, बस पिज़्ज़ा बेसिस में हमने मार्केट का इस्तेमाल किया है। तो पिज़्ज़ा सीरीज़ में आगे देखते रहिए मेरे और भी बनाए हुए पिज़्ज़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरी वन।